दोस्तों सब्सक्राइब करें बजट गार्डनिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं बजट गार्डनिंग चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इक्सोरा प्लांट की। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि इक्सोरा प्लांट की केयर कैसे करनी है। तो ये मेरे पास इक्सोरा की कुछ वेराइटी है और जैसे सबसे आप लास्ट में देख रहे हैं वो इक्सोरा की सबसे बढ़िया वेराइटी है जो सबसे डार्क रेड कलर की फ्लावर्स आते हैं इसमें। और इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसकी पत्तियाँ भी अदर वेराइटीज़ के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ी होती हैं। उसके बगल में ये भी डार्क पिंक कलर की इक्सोरा प्लांट है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये प्लांट ऑरेंज और रेड का मिक्स है, बट और पीछे जो आप ये इक्सोरा प्लांट देख रहे हैं ये बिल्कुल ही डार्क येलो कलर की है। और ये जो आगे में देख रहे हैं वो वाइट कलर का है, बट अभी इसका फ्लावर थोड़ा सा येलो टाइप का दिख रहा है। ये इक्सोरा की मीडियम वेराइटी है। ये ज़्यादा ना बड़ी होती है इस टाइप की, ना ही ज़्यादा छोटी होती है इस मिनिएचर वेराइटी की तरह। ये ऑरेंज कलर की इक्सोरा है, ये लाइट पिंक कलर की इक्सोरा है जिसे हम अभी रिपॉट करने वाले हैं। ये भी एक ऑरेंज कलर की इक्सोरा की वेराइटी है, बट ये काफ़ी ड्वार्फ वेराइटी है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती हैं और ये काफ़ी छोटे से एक बुश के शेप में ग्रो करता है। और इधर जो आप लास्ट में देख रहे हैं वो पिंक कलर की वेराइटी है, एक छोटी सी वेराइटी है, ड्वार्फ वेराइटी है इक्सोरा की। और ये वाइट कलर की एक डिफरेंट शेड में वेराइटी है इक्सोरा की, बट अभी तक इसमें फ्लावर्स नहीं है, बाकी सभी प्लांट्स में फ्लावर आ चुके हैं। इक्सोरा रुबीसिया फैमिली का एक एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है जिसे हम जंगल जेरेनियम, फ्लेम ऑफ द वुड, रंगन, वेस्ट इंडियन जैस्मिन और जंगल फ्लेम के नाम से भी जानते हैं, बट इसे मोस्टली हम रंगन या इक्सोरा के नाम से जानते हैं। जो हमारे लोकल नर्सरी पर अगर आप जाते हैं तो नर्सरी वाले आपको इसे या तो इक्सोरा के नाम से देते हैं या फिर रंगन के नाम से। इक्सोरा प्लांट एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पौधा है और यह मूलतः साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव प्लांट है। इक्सोरा प्लांट वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में काफी अच्छे से ग्रोथ करता है। इक्सोरा प्लांट्स को हम इंडोर आउटडोर दोनों जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। इक्सोरा प्लांट में बहुत सारे कलर ऑप्शन है। अगर आप नर्सरी पे जाते हैं तो आपको डार्क रेड, लाइट रेड या रेड ऑरेंज, ऑरेंज पिंक, लाइट पिंक, येलो, लाइट येलो और व्हाइट के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और ये इनकी डिफरेंट वेराइटीज़ पे भी होती है। कुछ वेराइटीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं, कुछ मीडियम साइज होती हैं और कुछ ड्वार्फ वेराइटी होती हैं। और अभी इस टाइम पर अगर आप किसी नर्सरी पे जाते हैं तो ये पौधे, इक्सोरा के पौधे काफ़ी मात्रा में आपको किसी भी नर्सरी में देखने को मिल जाएंगे। इक्सोरा एक सघन झाड़ीदार मल्टी ब्रांच एवरग्रीन प्लांट है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। जब आप इसे प्रून करते हैं तो जिस जगह से प्रून कर उस जगह से काफ़ी सारी ब्रांचेज निकलती है और ये इसीलिए ये हेज के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर आप अपने गार्डन में हेज लगाना चाहते हैं तो एक इक्सोरा प्लांट की भी हेज आप बना सकते हैं और जितना आप इसे प्रून करते रहेंगे टाइम टू टाइम उतना ही और अच्छे से ये प्लांट ग्रो करेगा और काफ़ी सारे फ्लावर्स भी आएंगे। ऐसे भी जब एक इक्सोरा प्लांट पे फ्लावर्स खत्म हो जाए तो उसे स्टेम को कट कर देना चाहिए ताकि जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाए और उस नई ग्रोथ पर ही फिर से फ्लावर्स आएंगे। और अगर हम बात करते हैं इनकी हाइट की तो जो इक्सोरा की बड़ी वेराइटी है वो 3 से 6 फीट तक ग्रो कर सकती हैं, बट ये 12 फीट तक भी ग्रो कर सकती हैं। बट अगर हम बात करते हैं इनकी ड्वार्फ वेराइटीज़ की तो वो 3 फीट से ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं। वो एक छोटे से बुश की शेप ले लेती हैं और वो 3 फीट के हाइट में ही पूरी तरह से ग्रो करती हैं। इक्सोरा की पत्तियाँ देखने में लेदर की तरह होती है। और अगर मैं बात करता हूँ इनकी बड़ी वेराइटीज़ की तो इनकी पत्तियाँ 4 से 6 इंच तक लंबी होती है, बट अगर इसकी जो मैं मीडियम वेराइटी की बात करता हूँ तो इसकी जो पत्तियों का साइज होता है ये बड़े वेराइटी से काफ़ी छोटे हो जाते हैं, बट जो हमारे पास जो सबसे ड्वार्फ वेराइटी है उनसे बड़े होते हैं। इक्सोरा प्लांट्स पे फ्लावर गुच्छों में आते हैं और इन गुच्छों का साइज उनके वेराइटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर ड्वार्फ वेराइटी या छोटी वेराइटीज हैं तो वो 2 इंच से लेकर 3 इंच तक उनके गुच्छों का साइज होता है, बट अगर हम बात करते हैं बड़ी वेराइटीज की तो उनके गुच्छों का साइज करीब 5 इंच तक होता है। ये एक इक्सोरा प्लांट के फ्लावर का बंच है जो अभी खिला नहीं है, बस एक फ्लावर जो आप देख रहे हैं वो खिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें 4 पेटल्स हैं और आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर्स हैं वो एक नलीनुमा स्टेम के सहारे बंच से जुड़ा हुआ है। इक्सोरा प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए होता है।
डायरेक्ट सनलाइट में इनकी पत्तियां जल सकती हैं। एक ज़ेरा प्लांट को वैसे जगह पर रखना चाहिए जहां सुबह की धूप मिले, बट दोपहर के बाद जो धूप होती है उनसे उनपे शेड बना रहे हैं। अगर हमारा प्लांट इंडोर रखा हुआ है तो ख्याल रखें कि हमें वैसी जगह पे अपने प्लांट को रखना चाहिए जहां कि हमारे पौधे को प्रतिदिन करीब 3-4 घंटे की ब्राइट लाइट मिलती रहे, जिससे वो अपना ग्रोथ मेंटेन कर सके। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन सबसे बेहतरीन होते हैं एक्सोरा प्लांट के ग्रोथ के लिए, बट अगर मैं बात करता हूँ कूलर क्लाइमेट की, कूलर क्लाइमेट में हम इसे गमलों में या फिर ग्रीन हाउस में ग्रो कर सकते हैं। एक्सोरा के लिए सबसे बेहतरीन जो सॉइल होती है वो फर्टाइल एसिडिक और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। जो हमारी सॉइल होनी चाहिए वो थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। एक्सोरा के लिए फर्टाइल एसिडिक वेल ड्रेन्ड सॉइल सबसे अच्छा होता है। मैं अपनी मिट्टी में खास ख्याल रखना चाहिए कि वो वेल ड्रेन्ड हो, उसमें पानी ज़्यादा देर तक जमा ना हो। अगर हम अपने एक्सोरा प्लांट को चिकनी मिट्टी में लगाते हैं तो चिकनी मिट्टी में पानी काफ़ी देर तक जमा रहता है और इससे हो सकता है कि हमारी एक्सोरा प्लांट की जो रूट्स हैं वो सड़ना स्टार्ट हो जाए। और अगर हमारा एक्सोरा प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो हमारा ड्रेनेज होल है वो किसी तरह से ब्लॉक ना हो। जो हम अपने प्लांट को पानी डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो ड्रेनिंग होल से ड्रेन आउट हो जाए। एक्सोरा प्लांट में वाटरिंग का काफ़ी खास ख्याल रखना होता है और स्पेशली जब ग्रोइंग सीजन हो तो हर वक्त जो हमारी मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक्सोरा प्लांट के सॉइल में मॉइस्चर काफ़ी समय तक बना रहे तो इसके लिए हम इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टोन या फिर स्प्रेग्नम मॉस, या हम जो पेड़ों के जो छाल होते हैं जिसे बार्क कहते हैं उनसे भी इनकी मल्चिंग कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो इसमें जो मॉइस्चर है सॉइल में वो हमेशा बनी रहेगी, वो सन के कारण ड्राई आउट नहीं होगी जल्दी से और हमारी जो सॉइल है वो काफ़ी टाइम तक मॉइस्ट रहेगी। और अगर बात करते हैं एक्सोरा प्लांट के फर्टिलाइजर की तो इसे काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइजर चाहिए होता है क्योंकि इनमें पूरे साल फ्लावर्स आते रहते हैं और वसंत ऋतु के स्टार्ट में हर वक्त इस पौधे को रिपॉट कर देना चाहिए नई मिट्टी और नई फर्टिलाइजर के साथ, जिससे ये अपनी ग्रोथ को काफ़ी मेंटेन कर पाता है। और ग्रोथ सीजन के स्टार्ट में हम इसमें स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं जैसे बोन मील, और महीने में 2 बार लिक्विड फर्टिलाइजर के अगर हम यूज़ करते हैं इन प्लांट्स में तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं हमें। ऐसा करने से आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा और इस पे पूरे साल फ्लावर्स आते रहेंगे। और वैसे अगर बात करें कि एक्सोरा प्लांट पे किसी पेस्ट या इंसेक्ट का इफेक्ट होता नहीं है, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो इन पे इफेक्ट करते हैं जैसे कि एफिड और स्केल। और अगर हम अपने एक्सोरा प्लांट्स पे सोप और वाटर के सॉल्यूशन या फिर नीम ऑयल का स्प्रे रेगुलर टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो वो किसी तरह से किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट से इफेक्ट नहीं होती है। और अगर हमारे एक्सोरा प्लांट पे किसी पेस्ट या इंसेक्ट की इफेक्ट हो चुकी है तो हम नीम ऑयल के स्प्रे या फिर लिक्विड डिटर्जेंट और पानी के सॉल्यूशन के स्प्रे से हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम महीने में 1 बार नीम ऑयल का यूज अपने सारे प्लांट्स पे करते हैं तो हमारा प्लांट कभी भी किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट से इफेक्टेड नहीं होगा, वो हमेशा हेल्दी रहेगा। तो चलिए अब इस एक्सोरा प्लांट को हम पॉट में शिफ्ट करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक 8 इंच का पॉट है मेरे पास, जिसमें मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है कुछ पॉट्स के टुकड़ों से और उसके ऊपर एक इनिशियल थोड़ी सी बेडिंग कर दी है सॉइल की। तो सबसे पहले हम इस एक्सोरा प्लांट को पॉली बैग से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी और जिस तरह की मिट्टी में इन्होंने ग्रो कर रखा है नर्सरी वालों ने, ये बिल्कुल ही बालू मिट्टी है। इस मिट्टी में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं इनके रूट्स काफ़ी हेल्दी हैं और अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो हम इनकी जो थोड़ी सी सॉइल है वो रिमूव कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इनकी किसी भी तरह से सॉइल रिमूव करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं थोड़ा सा ऊपर से की जो सॉइल है वो रिमूव कर दूंगा, बट नीचे से नहीं करने वाला हूँ किसी तरह से। तो मैंने एक्सोरा प्लांट के लिए एक सॉइल मिक्स तैयार कर रखा है जिसमें मैंने 3 पार्ट जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसका यूज़ किया है, 2 पार्ट मैंने वर्मी कंपोस्ट और 1 पार्ट मैंने इसमें कोकोपीट मिला रखा है। और ये काफ़ी लाइट वेट है जिसमें ये जो प्लांट है एक्सोरा वो काफ़ी ईजिली अपने रूट्स को इसमें ग्रो कर पाएगी। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसमें जो हमारी सॉइल मिक्स है वो भर देते हैं, उसके बाद हम अपने प्लांट को इसमें रखकर उसकी हाइट चेक कर लेंगे और अगर हाइट सही है उसके बाद जो हमारी बची हुई सॉइल मिक्स है वो उसके चारों तरफ भर देंगे। और इसमें सॉइल मिक्स डालने के साथ साथ इसे हल्के हाथों से दबाते जाना है ताकि जो हमारी एयर पॉकेट्स हो वो खत्म हो जाए, किसी तरह की हमारी सॉइल में एयर पॉकेट ना रहे।
तो हमने अच्छे से मिट्टी भर ली है और हमारा प्लांट स्टेबल है। और अब टाइम है इसे पानी देने का। तो पहली बार पानी देते वक्त ध्यान रखें इसे पूरी तरह से पानी से भर दे पॉट को और थोड़ी देर इंतज़ार करें। अभी जो हमने पानी दिया था वो धीरे धीरे मिट्टी में नीचे जा रही है, इसलिए पहले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और जैसे ही ये पूरी की पूरी पानी सूख जाती है, नीचे मिट्टी में चली जाती है, तो एक बार फिर हम इसमें थोड़ी सी पानी लगा देंगे ताकि हमारी पूरी की पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पानी थी वो मिट्टी में नीचे चली गई है, तो थोड़ी सी पानी हम और इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसे कुछ दिनों के लिए शेड में रख देंगे ताकि जब ये फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ले। मैंने अपने प्लांट के रूट्स को डैमेज नहीं किया, इसलिए मैं अभी इसे जैसे रखा हुआ था धूप में या सेमी शेड में वहीं रहने दूंगा। और अगर आपने इसके रूट को प्रून कर दिया तो आपको कुछ दिनों के लिए इसे शेड में रखना होगा। और जब करीब 5 से 7 दिनों बाद इसकी फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप वापस इसे धूप में रख सकते हैं। तो हमारे Ixora प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गई है कि कैसे Ixora प्लांट की केयर करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।